एक गांव था झुरमुट। उस गांव के बाहर एक कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से पानी तो क्या, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात को उस कुएं से भूतों की एक बारात बाहर निकलती है गाजे बाजे के साथ। उस बारात में एक दूल्हा जो घोड़े पर सवार होता है वो भी भूत होता है। वो बारात गाँव में आती है और एक जवान लड़की को ले जाती है। आज फिर ये मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में जवान बेटी है, कैसे उसकी रक्षा करूं? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, आज हम में से कोई नहीं सोएगा। तभी सुखदेव की बेटी विमला बोलती है, बापू मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मुझे उन भूतों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, हमारे होते हुए तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप कर बैठा था, तभी ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। वो आवाज उसी बारात की थी जो कुएं से निकलकर सीधा गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई नहीं देता क्या तुमको, बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगी? और मेरी दुल्हन कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती मुझे। भूतों की बारात गांव में आ चुकी थी। इमली अपनी बेटी को एक कोने में छिपाकर बैठी थी। तभी भूत अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम लोग मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या मैं खुद उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं। तभी भूत किशनलाल के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है, वो तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है। मुझसे झूठ बोलता है तू? कल ही तू अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव लड़का देख कर आया है, मुझे सब पता है, सब पता है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं उसकी माँ हूँ, तुम्हारे जैसे भूत के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो किशनलाल और सुमन की अपने दोनों हाथों से गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों तभी दम तोड़ देते हैं। पुष्पा अंदर कमरे में छिप कर बैठी थी। माँ, पिताजी, तुमने मेरे माँ पिताजी को मार दिया, छोड़ मुझे, मुझे अपनी माँ के पास जाने दे। पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घोड़े पर बैठा कर वापस कुएं में ले जाता है। सुबह होते ही इमली और उसके परिवार की सांस में सांस आती है। कल रात हमारी बेटी तो बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पर कब तक हम अपनी बेटी की रक्षा करेंगे, एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव वाले मिलकर किशनलाल और सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर सबकी जुबा पर बस भूतिया बारात की ही बात थी। अरे भाइयों, ये सब कब तक चलेगा, हाँ? वो भूत इस गांव में घुस जाते हैं और हमारी ही आंखों के सामने हमारी बेटी को उठा कर ले जाते हैं। किशन लाल की बेटी पुष्पा हमारी भी तो बेटी थी, हाँ? बिल्कुल सही कहा, इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी है, उनकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। वो तो सही है, पर हम कब तक अपनी बेटियों को कुंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है, उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई है, मैं कैसे अपने कलेजे को उस भूत के हवाले कर दूं? हम सब मिलकर उस भूत का सामना करेंगे, हाँ। अगले दिन पूरा गांव धर्मपाल की बेटी आशा की शादी की तैयारियों में लगा था। एक तरफ सजावट और दूसरी तरफ मिठाइयां बनाई जा रही थी।
अब फेरों का समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे, तभी अचानक कुएं से भूतों की बारात बाहर आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी धर्मपाल की पत्नी माया और बेटी चंचल भी आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे? जैसे ही भूत धर्मपाल पर अपनी तलवार से वार करता है, तभी भूत के सामने चंचल आ खड़ी होती है। मेरे बापू को कुछ मत करो, उन्हें मत मारो। अच्छा, छोड़ दूं? पर एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी और मेरे साथ मेरी दुल्हन बनकर चलोगी, तो मैं तुम्हारे माँ बापू को छोड़ दूंगा। नहीं बेटी, इस भूत की बातों में मत आना, उससे शादी मत करना। माँ, इस भूत के साथ शादी करने से तुम दोनों की जान बचती है, तो मैं जरूर इससे शादी करूंगी। भूत चंचल को अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे बारात के साथ कुएं में ले जाता है। रुक जा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ना जा उस भूत के साथ। किसी की हिम्मत नहीं होती भूत का सामना करने की, क्योंकि भूत अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी बारात थी और सभी खतरनाक भूत थे। ये ठीक नहीं किया हम सब ने, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, पर एक दिन उसकी उम्र भी शादी की होगी, क्या तब भी मैं ऐसा करता जो मैंने आज किया? गांव की बेटियों को हम यूं ही उस भूतिया बारात के हवाले करते आ रहे हैं, कहीं कल मेरी बेटी का नंबर ना हो। दूर खड़ी सुखदेव की बेटी विमला सबकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे अपने भैया समीर का ध्यान आता है, जो सालों से शहर में ही रह रहा था। हाँ भैया ही मुझे उस भूत से जरूर बचाएंगे, अभी जाती हूँ मैं भैया को फोन करने। विमला तेजी से घर की तरफ भागे जा रही थी। घर पहुँचते ही विमला अपने भैया समीर को फोन करती है। फोन समीर ही उठाता है। भैया मुझे बचा लो, मुझे भूत से शादी नहीं करनी। छोटी चुप हो जा, और तू ये क्या बोले जा रही है? कौन भूत, किसकी शादी? विमला समीर को उस भूतिया बारात के बारे में सब बता देती है। ये सब क्या है, भला भूत की भी कोई बारात होती है? मैं सच बोल रही हूँ भैया। छोटी अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अगली ट्रेन पकड़कर सीधा गांव आ रहा हूँ, मैं भी तो देखूं जरा उस भूत को। समीर तुरंत ट्रेन पकड़कर शाम तक गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही समीर गांव वालों पर बहुत गुस्सा करता है। तुम सब कितने कायर हो, अपनी ही बेटी को उस भूत के हवाले कैसे कर सकते हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब सच बोल रहे हो, क्या मुझे कोई पूरी बात बताएगा? हमने कभी तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू परेशान न हो वहाँ। मैं बताता हूँ अब, कई साल पहले इस गांव में दूसरे गांव से बारात आ रही थी, नाचते गाते हुए, सभी बहुत खुश थे, पर अचानक रास्ते में कुछ लुटेरों ने बारात को रोक लिया और उन्हें लूटने लगे। उनके सभी कीमती गहने और सभी पैसा उन लुटेरों ने ले लिया था। बारात के साथ जो दूल्हा था उसने उन लुटेरों से बहुत विनती की कि उन्हें जाने दें, छोड़ दें, पर लुटेरे मारपीट पर उतर आए। अच्छा तो ये बात है, मुझे एक तरकीब सूझी है, तुम सबको मेरा साथ देना होगा, उस मंडप में दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊंगा, दुल्हन का जोड़ा पहनकर, वो भूत मुझे दुल्हन समझकर अपने साथ उठा कर ले जाएंगे, मेरा उस कुएं में जाना बहुत जरूरी है। समीर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वहाँ भूतिया बारात पहुँच गई। भूत अपनी दुल्हन को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लेता है, फिर बारात कुएं में चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर समीर के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ कंकाल पड़े थे, वो कंकाल उन सभी बारातियों के थे जो अब मर कर भूत बन गए थे। तभी समीर अपने से दुल्हन का जोड़ा अलग कर देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ, दुल्हन की जगह इस लड़के को भेजो। तभी समीर अपनी जेब से माचिस निकालता है और उन सभी कंकालों में आग लगा देता है। सभी कंकाल जलते ही पूरी बारात दूल्हे समेत गायब हो जाती है।